हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजहर एक बार फिर हूँ आपके सामने आपके ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास, और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 और क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, फैक्टराइज। ओके, फैक्टराइज करना है इन क्वेश्चंस में हमें, एंड इट्स फर्स्ट पार्ट इज 12x² - 7x + 1। तो इसमें 12x² - 7x + 1 फर्स्ट पार्ट दे रखा है। तो फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दे रखा है, क्वाड्रेटिक मीन्स होता है जिसकी डिग्री 2 हो। डिग्री 2 का मतलब जो भी इक्वेशन दी है उसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर अगर 2 है तो उसे डिग्री 2 बोलते हैं, और डिग्री 2 वाले को क्वाड्रेटिक का कह दिया जाता है। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है, यहाँ पर सबसे बड़ी पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, उसके बाद यहाँ की पावर 2 है x की, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी सबसे बड़ी पावर 2, तो हम कहेंगे इसकी डिग्री 2, और डिग्री 2 का मतलब ये क्वाड्रेटिक है। तो अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो उसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं, हम जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं जो कांस्टेंट नंबर है उससे सबसे पहले, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई आप पहले एक कांस्टेंट से करेंगे, तो 12 × 12, तो 12 आ गया इनका मल्टीप्लीकेशन। अब जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा, जो भी प्रोडक्ट आएगा, उसके हमें ऐसे दो फैक्टर करने होते हैं जो यहाँ जो भी साइन है वो करने पर, और यहाँ जो भी नंबर है वो बनाए। इट मीन्स यहाँ प्लस है तो प्लस करने पर, और यहाँ 7 है तो 7 बनाए, ठीक है। अगर माइनस होता तो माइनस करने पर 7 बनाए, या जो और नंबर होता जो भी तो वो बनाए। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें दिया है 12 × 1, 12 × 1 = 12, और 12 के हमें ऐसे दो फैक्टर लेने जो प्लस करने पर 7 बनाए, ठीक है। तो 12 के दो फैक्टर्स हो गए हैं 3, 4 = 12, और उनको हम प्लस कर रहे हैं तो 7 भी आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब वो दो फैक्टर हमें कौन से मिले, 3 और 4, ठीक है। तो जो भी दो फैक्टर होते हैं तो उनको, उन फैक्टर्स में हमें इस नंबर को जो x का कोफिशेंट है, जो भी x का कोफिशेंट है, तो इसको ब्रेक करना होता है, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा यही हो गया, तो 7 को ब्रेक करेंगे हम 3 और 4 में, ठीक है। तो 3 + 4 लिखेंगे, क्योंकि प्लस करने पर आए हैं ये 12² - और 7 को लिखेंगे हम 3 + 4, x ऐसे ही रहेगा +1, ओके। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो 12x² तो ऐसे ही रहेगा, 12x² ऐसे लिख दीजिए और इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के लिए जो माइनस है साइन उसकी भी मल्टीप्लाई होगी, और इधर जो भी x है या जो भी वेरिएबल होगा उसकी मल्टीप्लाई भी यहाँ करेंगे हम, तो x और माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 की x से किया तो 3x, और माइनस से करेंगे तो -3x, ठीक है, -3x हो गया। ऐसे ही 4 के साथ कर लेते हैं, तो 4 × x 4x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4x हो गया, ये -4x + 1, ठीक है। अब इस तरह से ओपन करने के बाद हम इनके दो दो के फैक्टर्स बनाएंगे, दो में जो भी कॉमन मिलेगा हमें। तो यहाँ हमने फर्स्ट वाले में देखा 12, दोनों में यहाँ 12x² है, -3x है, तो इनमें सबसे पहले हम नंबर का फैक्टर देखते हैं, कॉमन कौन सा फैक्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इन दोनों में नंबर्स में देखा कौन सा नंबर कॉमन है इसमें, तो 3 और 12 अगर कॉमन आपको नहीं समझ में आता है तो आप HCF निकाल सकते हो, HCF जो होगा वो इनमें कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे हम देख रहे हैं अगर, तो हमें 3 कॉमन दिख रहा है, 3 यहाँ भी है और यहाँ भी आता है, मतलब ऐसा नंबर जो जिसके टेबल में ये 3 भी आए और ये 12 भी आए, तो 3 का टेबल है जिसमें दोनों ही आते हैं, तो वही नंबर कॉमन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो कॉमन हम लेंगे 3। अब x² है, यहाँ x है, अगर वेरिएबल देखते हैं तो छोटी पावर जो होती है वो कॉमन आ जाता है, इसका मतलब x की पावर 2 है, x पावर 1, तो 1 पावर वाला कॉमन आ जाएगा। जो भी बचा आप ब्रैकेट में लिखेंगे, तो पहले 3x हमने कॉमन लिया, तो नंबर बचने के लिए चेक करते हैं, तो इससे डिवाइड कर दीजिए, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए 12 को, 3 × 4 = 12, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और x हमने कॉमन ले लिया x² में से, तो 1x कॉमन आ गया, 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा 4x, ठीक है। साइन जो भी है आप साइन लगाइए वही। अब 3x है, यहाँ 3x हम कॉमन ले चुके हैं, तो जब सब कुछ कॉमन आता है तो 1 बचता है, जब सब कुछ कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स हमने यहाँ बना लिया, अब इनके फैक्टर्स बनाएंगे। यहाँ 4x है, यहाँ पर 1 है, यहाँ हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो हम 1 लेते हैं, कॉमन क्या लेंगे, 1, क्यों, क्योंकि 4x को हम इंटू 1 भी लिख सकते हैं, 4 जो लिखा है तो 4x इंटू 1, या हम 4 × 1 लिख सकते हैं, 4 × 1 = 4 होता है, तो यहाँ पर 1 हमेशा हर किसी के साथ होता है मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है।
और यहाँ भी वन है, तो जब कॉमन कुछ नहीं होता है तो हम वन कॉमन ले सकते हैं, और अगर स्टार्टिंग में आपका माइनस है तो माइनस वन कॉमन लेना होगा आपको, ठीक है। तो माइनस वन कॉमन ले लिया हमने, और यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, माइनस जब कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस फोर एक्स में से हम यहाँ एक तो प्लस का लिखेंगे और फोर एक्स लिखेंगे, तो प्लस का फोर एक्स आ जाएगा ये, क्योंकि जब भी वन कॉमन लिया जाता है तो जो भी नंबर्स होते हैं वो ऐसे ही लिख दिए जाते हैं, ठीक है। तो नंबर्स या जो भी टर्म्स कहें हम वो ऐसे ही लिख दी जाएंगी, और माइनस कॉमन लिया इसलिए हम साइन चेंज करके लिखेंगे, तो माइनस फोर एक्स का प्लस का फोर एक्स लिख दिया हमने, प्लस वन, प्लस वन है तो हम साइन चेंज कर लेंगे, तो माइनस का और वन, ठीक है। तो टर्म वैसे ही आ जाती हैं, और अगर माइनस कॉमन लिए हैं तो हम साइन चेंज कर देते, तो फोर एक्स माइनस वन। यहाँ एक चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं, जो भी दो ब्रैकेट बनेंगे कॉमन वाले वो सेम होने चाहिए, सेम ही आएंगे। अगर सेम नहीं आए हैं तो इसका ना आपने ऊपर कहीं गलत किया, उसे पहले ऊपर जाकर सही कीजिए, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि इनके ब्रैकेट जो आते हैं वो कॉमन ही आएंगे, सेम आएंगे, ताकि हम इनको फिर से कॉमन ले सकें। अब 4x माइनस वन, 4x माइनस वन दोनों ही टर्म्स में हमें कॉमन दिख रहा है, तो 4x माइनस वन पहला ब्रैकेट हो जाएगा ये, इसको आप ले लीजिए कॉमन, और दूसरे ब्रैकेट में जो बचेगा वो लिख दीजिए 3x और ब्रैकेट 4x माइनस वन था, तो 4x माइनस वन जो ब्रैकेट है उसे आप छिपाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, 3x है केवल, ठीक है। अगर हमने इसको कॉमन ले लिया इसका मतलब इसको यहाँ से हटा दीजिए तो 3x हो जाएगा, तो यहाँ पर पहले वाले में आ गया है 3x। दूसरी टर्म में देखेंगे हम 4x माइनस वन हम कॉमन ले चुके हैं, तो केवल माइनस वन बचेगा, तो ये आ जाएगा माइनस वन, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे दो ब्रैकेट्स में आ गए हैं फैक्टर्स, तो इन्हीं को फैक्टराइज या फैक्टराइजेशन कहा जाता है। तो इसके फैक्टर्स जो बने हैं या इसको हम फैक्टराइज करें तो इसके दो फैक्टर्स ये आ जाएंगे, 4x माइनस वन पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस वन, एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब इस क्वेश्चन में भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे फर्स्ट में किया हमने, क्या करते हैं x स्क्वायर का जो कोफिशेंट है उसकी मल्टीप्लाई है पहले कॉन्स्टेंट टर्म से, तो 2 है यहाँ पर और यहाँ 3 है, तो 2 की 3 से पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 3 जा 6। अब 6 के ऐसे दो फैक्टर्स हमें बनाने हैं, ऐसे ढूंढने हैं फैक्टर्स दो, जो प्लस करने पर, यहाँ प्लस साइन है तो प्लस करने पर, और 7 है तो 7 बनाएं, ठीक है। तो प्लस करने पर 7 बनाएं, तो 6 कैसे दो फैक्टर, तो 6 वन जा 6 होता है, और 6 और 1 को ऐड करें तो हमें 7 मिलेगा, इसका मतलब वो दो फैक्टर कौन से हुए, 6 और 1। जो भी दो फैक्टर आते हैं उसको हम इस x के कोफिशेंट जो भी होगा, जो भी नंबर होगा उसको ब्रेक करेंगे, इसका मतलब 7 को हम अब ब्रेक करेंगे 6 प्लस 1 में, ओके। तो 2x स्क्वायर ऐसे ही लिख दीजिए, प्लस 7 को आप ब्रेक कीजिए 6 प्लस 1, और x ऐसे ही रहेगा, और प्लस 3, 7 को हम 6 प्लस 1 लिख सकते हैं, जैसे 7 को ऊपर 3 प्लस 4 लिखा था, ठीक है। ऐसे ही 6 प्लस 1 लिख लीजिए, और 2x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इसको आप ओपन करते हैं, सेकेंड स्टेप होता है हमारा इसको ओपन करना, तो 6 की x से मल्टीप्लाई 6x हो जाएगा, और प्लस है तो साइन प्लस का ही रहेगा 6x, ऐसे ही 6x हो चुका है अभी ये। अब हम 1 की देखेंगे, तो 1 की x से मल्टीप्लाई किया तो 1x, या हम कहें x आ जाएगा, और प्लस साइन इसका है प्लस, यहाँ भी तो प्लस 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 हो जाएगा, तो प्लस का x, प्लस 3 ऐसे ही आ जाएगा ये, ओके। अब इन दोनों में से आपको कॉमन ढूंढना है, ठीक है। क्या कॉमन है, पहले नंबर्स देखेंगे फिर इसका वेरिएबल देखते हैं। तो नंबर 2 और 6, तो 2 और 6 में हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें 2 भी आए इसके टेबल में और 6 भी आए, ठीक है। तो ऐसे तो हम कॉमन लेते हैं, अगर समझ में नहीं आता तो आप HCF ले सकते हैं, 2 और 6 का HCF जो होगा वही इसका कॉमन आएगा। तो फिलहाल हम ऐसे डायरेक्ट देख सकते हैं अभी कि 2 जो है वो ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 2 भी आएगा 6, इसका मतलब इन दोनों में 2 कॉमन हो गया, तो 2 कॉमन लिख दीजिए, और x स्क्वायर और x इनमें जो छोटी पावर होगी वो कॉमन कहलाया जाता है, तो x की पावर 1 जो है वो कॉमन आ जाएगा। 2x स्क्वायर में अब हमने 2x कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो अब क्या बचेगा वो देखेंगे, 2 तो कॉमन आ चुका है, 2 नहीं लिखेंगे हम, x स्क्वायर में से x एक कॉमन आ चुका है तो एक x बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे x, प्लस साइन है तो प्लस साइन लगा दीजिए। अब 2x कॉमन लिया है हमने इसमें से भी, तो 2 और यहाँ 6 था, तो इसको आप डिवाइड करके देखिए, जो डिवाइड करके आएगा वो यहाँ पर बचेगा, तो 2 3 6 2 3 6, और x यहाँ था, x कॉमन ले चुके हैं, तो अब x नहीं आएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह से इन दोनों में देखेंगे, अब यहाँ x है और 3 है, ठीक है, x और 3 में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं दिख रही, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम 1 कॉमन लेते हैं, ठीक है, प्लस का साइन है यहाँ पर तो प्लस 1 ले लीजिए,
तो प्लस वन यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए और जब वन कॉमन लिया जाता है तो जो भी टर्म्स होती हैं ऐसी आ जाती हैं, क्योंकि उसमें से वन कॉमन लिया है तो वन से हम डिवाइड करके देखेंगे तो सेम ही रहेगा, इसलिए जब भी वन कॉमन लेते हैं तो बाकी टर्म्स ब्रैकेट में ऐसे ही लिख दी जाती हैं, और साइन पॉजिटिव है तो साइन भी चेंज नहीं होगा, सेम साइन आ जाएंगे। तो x प्लस थ्री का x प्लस थ्री भी आ जाएगा। यहाँ हमने देखा x प्लस थ्री दोनों ब्रैकेट सेम बन रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है हमें चेक करना, ध्यान देना कि जब भी हम कॉमन लेंगे तो इनके ब्रैकेट ज़रूर सेम आएँ। अगर सेम नहीं आए तो आप ऊपर ज़रूर चेक कीजिए कहाँ गलती हुई है, गलती ज़रूर हुई होगी तभी इनके ब्रैकेट चेंज हो जाएंगे, वरना सेम ही आएंगे हर केस में। ठीक है, तो अब जो भी कॉमन ब्रैकेट आते हैं उनको हम कॉमन ले लेते हैं, जो भी सेम ब्रैकेट हुए x प्लस थ्री यहाँ भी है यहाँ भी है तो कॉमन है, तो x प्लस थ्री हमने कॉमन ले लिया है। ब्रैकेट में हम जो भी बचे हुए टर्म्स हैं वो लिख देते हैं, x प्लस थ्री कॉमन हो गया यहाँ पर। ठीक है, और 2x बचा है तो 2x आ जाएगा सबसे पहले, तो 2x इसी तरह से x प्लस थ्री यहाँ भी कॉमन हो चुका है, बाहर ले चुके हैं हम कॉमन, तो प्लस 1 बचेगा तो 2x के बाद में प्लस 1। ठीक है, तो x प्लस थ्री एंड 2x प्लस 1 ये इस क्वेश्चन के फैक्टर्स हो गए। ठीक है, एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो अब यहाँ पर हमें ये दे रखा है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम x स्क्वायर का कोफिशेंट देखेंगे 6 है, और जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो देखी हमने वो भी 6 है। ठीक है, तो 6 और 6 पहले इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 6 36। अब 36 के ऐसे हमें दो फैक्टर्स ढूंढना है जो यहाँ साइन जो भी होगा वो करने पर माइनस है इस बार, तो इस बार माइनस करने पर, तो 6 6 36 36 के ऐसे दो फैक्टर जो माइनस करने पर, और यहाँ 5 है तो 5 बना दें। ठीक है, तो 36 के हम फैक्टर देख लेते हैं, तो 9 4 36 होता है, और 9 से हम 4 माइनस करें तो 5 भी बनेगा। ठीक है, तो हमारे वो दो फैक्टर्स 9 और 4 हो गए हैं, और 9 माइनस 4, तो इस 5 को हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, जो भी फैक्टर्स होते हैं उनको x के कोफिशेंट जो होता है उसको ब्रेक करना होता है उन दो फैक्टर्स में, तो 5 को हम ब्रेक करेंगे 9 और 4 की टर्म्स में, तो 9 माइनस 4 लिख सकते हैं, 5 को क्या लिखेंगे 9 माइनस 4। ओके, तो 6x स्क्वायर प्लस, और 5 को लिख दीजिएगा 9 माइनस 4 ब्रैकेट एंड x इज सेम एंड माइनस 6x स्क्वायर प्लस, अब 9 की x से मल्टीप्लाई कीजिए 9x। ओके, अब माइनस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 की मल्टीप्लाई किया x से तो माइनस 4x। ठीक है, तो साइन हम यहाँ भी चेक कर लेते हैं, यहाँ प्लस का था यहाँ माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस लगा दिया हमने, और 4 की x से मल्टीप्लाई किया 4x, और माइनस 6 ऐसे ही रहेगा ये। ओके, अब इन दो में कॉमन देखिए आप, 6 और 9 हम कॉमन देखेंगे इनमें क्या है, तो इसका मतलब 3 का टेबल ऐसा है जिसमें 6 भी आता है 9 भी आता है। कॉमन का मतलब आप वो टेबल ढूंढिए जिसमें दोनों ही नंबर आते हैं। ठीक है, जिसके टेबल में दोनों आएंगे इसका मतलब वो नंबर कॉमन है इसमें, तो 3 यहाँ कॉमन है, तो 3 ले लीजिए 3, और x स्क्वायर और x जब भी वेरिएबल देखते हैं तो उसमें छोटी पावर वाला कॉमन होता है, तो x की पावर 1 है वही कॉमन हो जाएगा, तो x लिख दीजिए कॉमन में। अब क्या बचेगा, 6x स्क्वायर में से हमने 3x कॉमन लिया, तो 3 से इसको डिवाइड करके देखिए, 3 2 6 तो 2 बचेगा। ठीक है, नंबर तो हम ऐसे चेक करते हैं डिवाइड करके, और जो वेरिएबल होते हैं उसमें देख लीजिए, x पावर 2 है, x पावर 1 कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, तो x की पावर 1 मतलब सिंगल x, तो 2x यहाँ पर आ जाएगा। प्लस का साइन है इसका, तो प्लस का साइन लगा दीजिए, और अब 9x में चेक करेंगे तो 3 से फिर से इसको भी डिवाइड कर दीजिए, तो 3 3 9 होते हैं, 3 3 9। ठीक है, और x कॉमन ले चुके हैं तो x को हम नहीं लिखेंगे, सिंगल ही था वही हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर इसका मतलब x नहीं बचा, केवल 9 था, 9 को हमने डिवाइड करके चेक किया तो 3 बचेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इन दोनों में हम देखेंगे क्या कॉमन है, सबसे पहले तो माइनस अगर आगे होता है आप माइनस कॉमन ले लीजिए। ठीक है, और 4 6 में हम कॉमन देखेंगे, तो 4 और 6 2 के टेबल में आते हैं, 2 का टेबल ऐसा है जिसमें दोनों आएंगे, इसका मतलब 4 और 6 में 2 कॉमन है। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो इसका मतलब x कॉमन इनमें नहीं है, क्योंकि x एक जगह आ रहा है, दूसरे टर्म में x है ही नहीं। ठीक है, तो इसको हम केवल माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं। अब क्या बचेगा वो देखें, तो माइनस 4x में से माइनस हमने अगर कॉमन लिया है, तो इसका माइनस में हमने बोला था कि माइनस अगर कॉमन आएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस अब यहाँ जब भी लिखा जाएगा तो माइनस के साइन नहीं आएंगे, इनके साइन चेंज होकर लिखेंगे, मतलब पॉजिटिव लिखेंगे, तो प्लस का लिखेंगे, और 2 से 4 को डिवाइड कीजिए तो 2 2 4। ठीक है, x कॉमन नहीं लिया था तो x इसके साथ में आएगा। ठीक है, तो ये x इसके साथ में आ गया, तो 2x
ठीक है, और प्लस का आएगा क्योंकि हमने माइनस लिया था कॉमन, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस सिक्स एक्स, तो साइन हमने माइनस कॉमन लिया, इसके लिए प्लस का लगाना होगा हमें, माइनस की जगह प्लस का लगाना होगा हमें, साइन चेंज हो जाते हैं जब माइनस कॉमन लेते हैं। और टू हमने कॉमन लिया है तो सिक्स को आप डिवाइड कर दीजिए, टू से टू थ्री जा सिक्स, तो इस तरह से यहाँ पर सिक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ देख सकते हैं टू एक्स प्लस थ्री दोनों में कॉमन दिख रहा है हमें। ठीक है, तो जो कॉमन होता है वो ब्रैकेट आप फिर से कॉमन ले लीजिए। ठीक है, जो ब्रैकेट सेम होगा कॉमन होगा, आप उसको एक बार और कॉमन ले सकते हैं। तो टू एक्स प्लस थ्री और जो बचेगा वो दूसरे ब्रैकेट में लिख दीजिए। यहाँ टू एक्स प्लस थ्री कॉमन आ गया है, यहाँ से हट जाएगा तो केवल थ्री एक्स बचेगा। ठीक है, तो थ्री एक्स और यहाँ हमने टू एक्स प्लस थ्री कॉमन ले लिया है तो माइनस टू बचेगा, तो यहाँ लिख दीजिए माइनस टू। ओके, तो ये इसके फैक्टर्स आ चुके हैं, टू एक्स प्लस थ्री एंड थ्री एक्स माइनस टू, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, इस क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है, तो हम यहाँ भी स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल वही प्रोसेस रहेगी। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लीजिए और जो कॉन्स्टेंट है उसको देखिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फोर इंटू थ्री, फोर थ्री ट्वेल्व, तो ट्वेल्व के ऐसे दो फैक्टर ढूंढना है हमें जो यहाँ माइनस है, तो माइनस करने पर और इसका जो भी कोएफिशिएंट होगा वो बन जाए। तो यहाँ तो कोएफिशिएंट ही नहीं है, जब कोएफिशिएंट नहीं होता है इसका मतलब कोएफिशिएंट वन होता है, क्यों? क्योंकि हम इस एक्स को वन इंटू एक्स लिख सकते हैं, इस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वन इंटू एक्स, तो इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं भी जहाँ भी कोएफिशिएंट नहीं दिया हो, सिंगल एक्स लिखा हो या कोई भी वेरिएबल लिखा हो, तो उसका कोएफिशिएंट होता नहीं है, वहाँ पर दिखाई नहीं देता है, तो इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट वन होगा, क्योंकि हर किसी के मल्टीप्लाई में आप वन लिख सकते हैं, तो यहाँ भी हम वन इंटू एक्स लिख सकते हैं जैसा अभी हमने लिख कर दिखाया था। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट वन है। तो फिर से देखिए, थ्री फोर या ट्वेल्व, तो ट्वेल्व के ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हमें जो माइनस करने पर वन बना दें, इस बार वन बनाना है। ठीक है, तो फोर और थ्री, फोर थ्री या ट्वेल्व होते हैं। ठीक है, तो फोर थ्री या ट्वेल्व, तो इसका मतलब हम फोर माइनस थ्री करें, फोर माइनस थ्री करें तो वो वन बना देगा। ठीक है, तो इसका था इस वन को, यहाँ जो भी वन है, ठीक है, यहाँ जो कोफिशेंट है वन है, तो उसको हम ब्रेक करेंगे फोर माइनस थ्री में। ठीक है, तो फोर माइनस थ्री लिख दीजिए इसको, तो थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और माइनस है तो माइनस का साइन लगाइए, और ब्रैकेट में जो आप लिखेंगे उसको लिख दीजिए फोर माइनस थ्री और एक्स और ये माइनस का फोर। ठीक है, अच्छा, अब इसका हमें ओपन करना होता है, इसका नेक्स्ट स्टेप होता है इसको ओपन करना, तो थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस है इस बार, तो फोर की पहले एक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और माइनस है तो माइनस का आ जाएगा माइनस, और फोर इंटू एक्स फोर एक्स। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड वाला माइनस थ्री है, तो यहाँ भी माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस, तो आप प्लस साइन लगा सकते हैं। ठीक है, साइन का हो गया मल्टीप्लीकेशन, अब थ्री और एक्स, तो थ्री एक्स हो जाएगा, थ्री एक्स माइनस फोर, तो इस माइनस फोर को आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनमें से कॉमन लेना है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कॉमन थ्री और फोर में तो कॉमन मिलेगा नहीं कुछ। ठीक है, अच्छा, यहाँ हम देखा दूसरे में देख रहे हैं, यहाँ भी थ्री और फोर, यहाँ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो हम इसमें थोड़ा सा काम एक करते हैं, इसको थोड़ा सा ईजी बना लेते हैं। ईजी बनाने के लिए क्या करते हैं, इस थ्री एक्स को अगर पहले लिख दें और फोर एक्स को बाद में लिख दें, तो थ्री और थ्री कॉमन हो जाएंगे, इधर फोर आ जाएगा तो फोर में फोर कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ईजी बनाने के लिए एक ये स्टेप एक्स्ट्रा में कर सकते हैं, तो थ्री एक्स स्क्वायर ऐसी रहेगा, प्लस का थ्री एक्स पहले लिख दीजिए, प्लस थ्री एक्स पहले और माइनस फोर एक्स इसकी जगह आ जाएगा, माइनस का फोर एक्स, और अब ये माइनस फोर ऐसी रहा। फिर से देख लीजिए इस स्टेप में क्या हुआ है, हमने थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस फोर को ऐसे लिखा, बस इनकी जगह को हमने इंटरचेंज कर दिया है, इसकी जगह पर ये आ गया, इसकी जगह पर ये हो गया। ठीक है, तो थ्री एक्स प्लस का पहले आ गया और माइनस फोर एक्स जो हमने वो बाद में लिख दिया। इसको लिखने का हमें फ़ायदा ये होगा कि अब हमें कॉमन आसानी से मिल जाएंगे, थोड़ा सा ईजी हो गया हमारा क्वेश्चन। तो थ्री एक्स स्क्वायर और थ्री एक्स, तो थ्री तो कॉमन है तो थ्री ले लीजिए, एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स कॉमन आ जाएगा, छोटी पावर कॉमन आती है तो एक्स सिंगल वाला जो है वो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा वो लिख दीजिए, तो थ्री कॉमन ले चुके हैं, थ्री नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स कॉमन लीजिए तो सिंगल एक्स बचेगा, प्लस का साइन प्लस लगा दीजिए, थ्री एक्स है, थ्री एक्स पूरा ही कॉमन लिया, जब सब कुछ कॉमन आता है तो वन बचता है। ठीक है, जब सब कुछ कॉमन आएगा तो उसको वन लिखेंगे, यहाँ वन कॉमन आ गया। ठीक है, वन रिमेन, माइनस फोर एक्स और माइनस फोर, तो माइनस है तो आप माइनस लिखिए, और फोर दोनों में है तो फोर कॉमन आ जाएगा ये, और एक्स यहाँ है, यहाँ नहीं है तो एक्स कॉमन नहीं आएगा।
ठीक है, तो अब क्या बचेगा वो आप लिख दीजिए, माइनस फोर, माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ हम प्लस साइन के साथ लिखेंगे, और फोर कॉमन लिया तो फोर भी नहीं लिखेंगे, वो बाहर आ चुका है, केवल एक्स बचे हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर से देख लीजिए माइनस फोर एक्स, इसमें से माइनस फोर हम कॉमन ले चुके हैं तो एक्स बचेगा केवल, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड टर्म में देखा हमने, माइनस फोर कॉमन लिया हमने, ठीक है, और माइनस फोर ही है यहाँ पर, जब सब कुछ कॉमन तो क्या बचेगा, वन, ठीक है। और साइन क्या आएगा, साइन यहाँ माइनस है इसलिए आपको प्लस लगाना होगा, प्लस का वन, ठीक है। फिर से देख लीजिए, माइनस था इसलिए आपको प्लस का साइन लगाना पड़ा, और फोर हमने कॉमन लिया था तो फोर जब कॉमन आ गया तो जब सब कुछ कॉमन होता है तो वन लिखते हैं, ठीक है। फोर था, फोर ही कॉमन ले लिया, मतलब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो उसकी जगह हम वन लिखते हैं, क्योंकि फोर को फोर इंटू वन लिख सकते हैं, तो फोर कॉमन वन बच गया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे एक्स प्लस वन, हमारे ब्रैकेट्स सेम बन रहे हैं तो सेम इसका आता कॉमन, तो एक्स प्लस वन वाला ब्रैकेट आप कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस वन हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में जो बचेगा वो लिखते हैं, तो एक्स प्लस वन कॉमन, थ्री एक्स बचा केवल, थ्री एक्स, यहाँ देखिए एक्स प्लस वन कॉमन तो माइनस फोर बचेगा, माइनस फोर, ठीक है। एक्स प्लस वन एंड थ्री एक्स माइनस फोर, दिस इज द आंसर। लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम जो भी नए वीडियोस अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया है तब, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब